विनेश पहली ऐसी भारतीय बनी जो कुश्ती में फाइनल तक पहुंची, ये भी हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। ओलंपिक्स में 7 शूटिंग इवेंट्स में इंडियन शूटर्स फाइनल्स में पहुंचे और ये भी पहली बार हुआ है। इसी तरह तीरंदाजी में धीरज और अंकिता पदक के लिए खेलने वाले पहले भारतीय तीरंदाजी बने और लक्ष्य हमारा लक्ष्य सेन आपके मैच ने तो पूरे देश का जोश बढ़ा दिया है। हमारे लक्ष्य भी ओलंपिक में सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले एकमात्र पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी बने हैं। हमारे अविनाश शावले इसने स्टीपल चेज के फाइनल में क्वालिफाई किया, इस फॉर्मेट में ये भी फर्स्ट टाइम रहा। साथियों, हमारे ज्यादातर मेडलिस्ट, जैसा मैंने कहा, अपने 20s में है, बहुत छोटी आयु के हैं। आप सभी बहुत युवा है, आपके पास बहुत समय है, बहुत ऊर्जा है। और ये भी सही है कि टोक्यो के और पेरिस के बीच में नॉर्मली 4 साल का समय रहता है, इस बार 3 साल का ही समय था। तो हो सकता है आपको 1 साल और अगर मिला होता प्रैक्टिस का, तो शायद आप और नई कमाल करके दिखा देते। अभी लंबी कैरियर में आप कई बड़े टूर्नामेंट खेलेंगे, खेलना बंद नहीं करना चाहिए, रुकना भी नहीं चाहिए, एक भी मैच छोड़नी नहीं चाहिए। ये युवा दल इस बात का प्रमाण है कि स्पोर्ट्स में भारत का भविष्य कितना उज्जवल रहने वाला है। मुझे विश्वास है पेरिस ओलंपिक्स भारतीय स्पोर्ट्स की इस उड़ान के लिए एक लॉन्च पैड साबित होने वाला है। ये टर्निंग पॉइंट है हमारा, उसके बाद विजय ही विजय है। दोस्तों, हम रुकने वाले नहीं है। साथियों, आज भारत अपने यहां वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इकोसिस्टम डेवलप करने की प्राथमिकता दे रहा है। ग्रासरूट से आने वाले खिलाड़ियों को उनको तराशना ये बहुत जरूरी है। हमने गांव-गांव, शहर-शहर से युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए खेलो इंडिया मुहिम शुरू की है और मुझे खुशी है कि खेलो इंडिया से निकले 28 खिलाड़ी इस ओलंपिक समूह का हिस्सा बने हैं। अमन है, अनंतजीत है, धीरज है, सर्वजोत है, इन सब ने खेलो इंडिया एथलीट के रूप में अपनी जर्नी शुरू की थी। और इससे हुआ ये है कि खेलो इंडिया में खेलना और जी भर के जीतना ये एक बहुत बड़ा अहम हिंदुस्तान का कार्यक्रम बन चुका है जी। मैं मानता हूं, मैं खेलो इंडिया को और तवज्जो देनी है और ताकत देनी है। उसी में से हमें अच्छे नए होनहार खिलाड़ी मिलने वाले हैं। आपकी तरह ही खेलो इंडिया एथलीट्स की एक बड़ी फौज देश के लिए तैयार हो रही है।